मुहर्रम के मेला को देखने के लिए पति और पत्नी के बीच नोकझोंक होती है और बात मौत तक जा पहुंचती है। झारखंड के गोड्डा जिला के बसंतराय थाना क्षेत्र में एक गांव है केवा। केवा का यह मामला है कि कल देर शाम जब मुहर्रम की 10वीं तारीख थी, आसपास मेला लगा हुआ था, तो मुनव्वर आलम से उनकी पत्नी कहती हैं कि मुझे भी मेला देखने के लिए जाना है, मुझे भी आपके साथ मेला घूमने जाना है, मुझे भी साथ लेकर चलिए। लेकिन मोहम्मद मुनव्वर आलम कहते हैं, नहीं, आपको मेला देखने नहीं जाना है, आपको घर में रहना है, मैं आपको अपने साथ मेला लेकर नहीं जाऊंगा। इसी बात पर पत्नी गुस्सा हो जाती है, दोनों में तीखी नोकझोंक होती है। लोग ये भी कहते हैं कि दोनों में मारपीट भी होती है। उसके बाद मोहम्मद मुनव्वर आलम मेला चले जाते हैं। फिर सुबह घटना ऐसी घटी कि लोग भी अवाक रह गए। कि लोगों को यह खबर मिली कि उसकी पत्नी की लाश फंदे से लटकी हुई मिली है। वो लड़की फंदे से झूलती हुई दिखाई दे रही है और उसकी जान जा चुकी है। उसके बाद आनन-फानन में लोग जमा होते हैं, भीड़ लगती है। उसके बाद लड़की के पिता अपने गांव से अपनी बेटी के यहाँ आते हैं, अपनी बेटी के शरीर को देखने के लिए, अपनी बेटी को देखने के लिए। उसके बाद रोते रोते उनके पिता ये आरोप लगा रहे हैं अपने दामाद के ऊपर कि हमारे बेटी को मेरे दामाद ने गला दबाकर मार दिया और उसके बाद लाश को टांग दिया। ये उसके पिता का आरोप है। इसकी तफ्तीश तो पुलिस करेगी कि सच्चाई क्या है, लेकिन लड़की के पिता ने जो आरोप लगाए हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा दामाद दूसरी लड़की को मेला लेकर जा रहा था, इस वजह से मुझे मेरी बेटी को मेला लेकर नहीं गया, वो दूसरी लड़की को घुमा रहा था, इस वजह से हमारी बेटी जिद करती रही और वो उसकी बात नहीं माना। क्या कुछ कहा लड़की के पिता ने, क्या कुछ हुआ वहाँ पर, देखिए इस वीडियो को ध्यान से। जी क्या घटना घटी, आप कैसे घटना घटी? जब मेरे बात हुई है उनके साथ, चार आदमी से बात हुई। आपकी अभी जो ये घटना घटी है, ये कौन है, आपकी बेटी है? कैसे, क्या घटना घटा है? घटा गला में रस्सी लगा के तुम मार के बोल दिया, वो साथ में देखते नहीं है, मारा है, कौन मारा है? मरा मनोहर, मनोहर का साथ। मनोहर कौन है? मनोहर उनका पति हुआ। आपकी बेटी का कौन है मनोहर? पूना, मतलब हस्बैंड है। हाँ, पति है। हाँ, आप मतलब जो लड़की, जो मतलब जो लड़की है, लड़की में बात हुआ है, लड़की के आप फादर है ना, लड़की के पिता है ना? हाँ, उनका पिता। कितना उम्र होता है? ऐसा लग रहा है आपको कि मतलब क्यों मारा? उनको मारा है, छोटा दाब एक मार करके वो रस्सी से उसका लेकर के बंद दिया है। क्यों मारा होगा आप जो बता? पहले झगड़ा हुआ था कि हम मेला जाएंगे, ये जाएंगे, वो जाएंगे, अच्छा मेला जाएंगे, वो नहीं ले गया। अच्छा, और पहले से भी झगड़ा था जी। और उसके अभ्यर्थ में वो एक लड़की उसके पास आए, दूसरा इसके पास, वही मनोहर के पास, मतलब आपके दामाद जी के पास। हाँ जी। उसको लेकर घूमता है, इसको मनता ही नहीं है, वैसे किसी बकवास हुई जी। उसके बकवास होने पर उसको, आप लोगों को ये कब सूचना मिली कि आपकी बेटी के साथ ये घटना घटी? वो अब के क्या मिनट पे हुआ, सुबह में। हाँ, कौन सूचना आज? सूचना आप लोगों को कौन दिया था? सूचना कौन दिया? इधर से लगाया था, वही उसका साथ। अच्छा, उसका साथ लगाया था। नहीं। तो आपका दामाद, आपका बेटी बहुत बर्दाश्त है, उठता नहीं है, अभी सोए हुए हैं। अच्छा, यही बोला सोए हुए हैं, अभी उठता ही, मैं खरिया बनने का, खाना बनाने का, नाश्ता बनाने का। इसलिए कॉल की थी, यही लिए कॉल की थी, लेकिन ये नहीं बोला कि मतलब आपकी बेटी फंदे से लटक गई है। ये बोला था कि आपकी बेटी फंदे से लटक गई है? नहीं, नहीं बोला। और लड़की का घर कहाँ है? लड़की का घर बसंतराय बहापुर। साल भर पहले शादी हुई थी, केमा में हम शादी किए थे, केमा में शादी हुई थी। अभी क्या घटना घटी, कैसे घटना घटी? इन लोगों में क्या आपसे विवाद हुआ जो कि जी भगवान को फांसी लगाया गया है कि मार के लगा दिया गया है?
अभी तक घर वाले कोई हमको सूचना नहीं थे, हमको गांव वाले सूचना मिला जी, उसके बाद हम थाना प्रभार सूचना किए, तब हम यहां पे अभी। मतलब आपके जो जीजा जी है मनोवर आलम, वो आपको सूचना नहीं किए? कोई सूचना नहीं दिए। मतलब अभी जो लड़की का जो ससुराल है उनके तरफ से कोई मतलब कोई सूचना हमको नहीं, सूचना नहीं दी। जो मतलब जो केवा के जो ग्रामवासी हैं वो लोग आपको बताएं कि घटना घटी है, सूचना दी है, तो आप लोगों को क्या शक हो रहा है, क्या संदेह है? आप कौन हुए लड़की? मृतक के आप कौन है? मृतक के आप कौन है? हम उनका भाई है। भाई नाम क्या हुआ लड़की का? लड़की का गुलशन खातून नाम है। गुलशन खातून। उम्र कितना हो रहा होगा? 20 साल।